स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इडियट बॉक्स. द इडियट बॉक्स इट इज अ पोएम. ये एक पोएम है, कविता जिसको बोलते हैं हम. ये अरविंद गिगो ने लिखी है. बट आई विल रिसाइट द पोएम फॉर यू. ही प्लेज विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉचेज द स्पाइडर मैन. ही जो यहाँ पर है, एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो आपकी उम्र का है. ही प्लेज विद रिमोट कंट्रोल एंड वॉचेज द स्पाइडर मैन. वो रिमोट कंट्रोल के साथ खेलता है और स्पाइडर मैन की चैनल लगाता है. ही डजेंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल एंड शेप अ स्नोमैन. इसमें ये बता रहा है कवि अरविंद, टेल्स दैट ही इज टू मच फॉन्ड ऑफ टेलीविजन. वो इतना आदी है टेलीविजन का, उसको उसके अधिक कुछ अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं है. ना उसको फुटबॉल खेलने आती है, ना जब बर्फ गिरती है, बर्फ के मौसम में स्नोमैन बनाते हैं हम, ना वो जानता है वो कैसे बनाना है, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ही इज इन्वॉल्व टू मच इन टेलीविजन. वो बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखता है. ही मेड हिज डैडी एंड मम्मी बाय एन LED फॉर हिम. वो बहुत जिद्दी हो गया और मम्मी पापा से जिद करके उसने LED मंगवाया है. ही शट्स हिमसेल्फ इन हिज प्राइवेट रूम एंड डज नॉट लेट anyone इन. वो अपने उस कमरे में जहाँ TV देखता है, वो किसी को आने नहीं देता है ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो वो टेलीविजन. वो बहुत ज़्यादा आदी हो गया उसका कि हमें इसका मतलब है हमें इतना TV देखना ही नहीं चाहिए जिससे हमें आईसाइट लॉस हो, हमारा टाइम वेस्ट हो. ही हैजेंट सीन अ माउंटेन, अ फ्लावर, अ गार्डन एंड अ वाटरफॉल. क्या मतलब है इसका? वो सिर्फ अपने कमरे में रहता है, TV देखता रहता है, ना उसको बाहर निकल के वो नेचर कि जो ब्यूटी है उसको भी नहीं देखता हो, ना उसको पता है माउंटेन क्या होता है, फ्लावर बगीचा, वाटरफॉल होता है झरना जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है. ही लाफ्स व्हेन ही सीज एन अनट्रू मैन फ्लाई ओवर ए हिल. वो सिर्फ हंसता है अपनी उसी इमेज में खोया गया है, झूठी दुनिया में खोया है टेलीविजन की, जब वो इमेजेस देखता है, वर्चुअल इमेजेस TV पर देखता है बनते हुए. ही डजंट टर्न द लीव्स ऑफ द पिक्चर बुक और कॉमिक्स. ना वो कोई बुक रीडिंग करता है, ना वो कोई कॉमिक्स पढ़ता है, सिर्फ TV देखता है. अपनी आई साइट दिन ब दिन लॉस करता है और टाइम वेस्ट करता है. ही चेंज द चैनल्स टू सूट हिज शिफ्टिंग मूड्स. बस सिर्फ चैनल चेंज करता रहता है ताकि उसको जो चैनल अच्छी लगेगी वहीं पर रुक जाता है. ही डजंट रिलिश द फूड स्टफ्ड इन हिज माउथ. वो खाना भी खाता है, TV में गुम होकर देखता है. TV में इतना ज़्यादा उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको फूड टेस्टी है या वो बिना स्वाद के है. ही इज एक्साइटेड सीइंग पायरेट्स ईट फिश एंड फ्रूट्स. वो उत्सुक हो जाता है, खुश होता है. पायरेट्स होते समुद्री लुटेरे, वो जब देखता है उनको वो बहुत खुश होता है, वो उन्हीं के साथ मस्त है. ही वियर्स थिक ग्लासेस एंड कंट्रैक्ट्स हिज आईज टू सी. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉक इन द ड्रॉइंग रूम्स. वो अपनी वो आंखें ना, उसकी आई साइट इतनी कम हो गई है कि उसको मोटे चश्मे लगाने पड़े और आंखों को बंद करता है, खोलता है, क्योंकि लगातार TV देखने की वजह से तमिश रोशनी अचानक काम तमिश पे हमें मोट उनक लगाऊन. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें ज़्यादा TV नहीं देखना चाहिए, उतना ही देखना चाहिए जिससे हमें उससे कुछ यूजफुल थिंग्स के बारे में पता चले. जैसे न्यूज़ है, जनरल नॉलेज का प्रोग्राम है, या कार्टून आदि देख लिया आधा घंटा. बाकी दुनिया में इतने सारे काम है, ड्राइंग कर लो आप, बाकी काम कर लो, नेचर में खेलो. देन आई विल द समरी ऑफ द पोएम इज गिवन हियर इन इंग्लिश. इन दिस पोएम द इडियट बॉक्स द पोएट सिम्बॉलिकली एंड मेटाफोरिकली यूजेज द वर्ड इडियट बॉक्स फॉर द टेलीविजन. क्या मतलब है इसका, कि उसने इडियट बॉक्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें जो ज़्यादा देखता है वो उसको यूजफुलनेस की बजाय उसका इल यूज लेता है TV का. दो इनडायरेक्टली द पोएट रादर रेफर्स टू द पीपल हु वॉच टेलीविजन एंड हु आर एडिक्टेड टू इज एट इडियट बॉक्सेस. और जो लोग, जो बच्चे सिर्फ TV देखते हैं, बहुत अधिक TV देखते हैं, उनको भी पोएट इडियट बॉक्सेस कहना चाहता है, क्योंकि हमारे टाइम की बहुत वैल्यू होती है. एक एक पल से हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि सिर्फ TV देखना चाहिए. इट रेफर्स टू द पीपल हु आर वियर्डली अट्रैक्ट टू द टेलीविजन
and are too much foolishly involved in the television and have a strange belief in it. और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कवि कहता है अरविंद जी हमें कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टीवी में खोए रहना चाहते हैं, बाकी की दुनिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं वो, और नतीजा क्या होता है हम उससे अपनी आंखों की रोशनी गवा देते हैं, और जो टीवी में अधिक इन्वॉल्व रहने से हम सिर्फ उसमें से बुरी आदतें हमें लग जाती है, क्योंकि हमें ये भी पता है इट्स अ प्रोवर्ब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. Now, second, the poet believes that idle spending of too much of time in television solves no purpose and reaps no result. अधिक से अधिक टीवी देखने में हमारा कोई मसला हल नहीं होता है, ना पढ़ाई हम गेन करते, ना बाकी हेल्दी हमें आदतें बनती है, ना हमारा शरीर अच्छा बनता है, कोई नतीजा नहीं निकलता उससे अच्छा. And it rather kills the complete time. हमारा सारा समय उसमें नष्ट हो जाता है, सॉरी वक्त थी मन जाएगा सा. People should be more productive and objective of the poem by using the term as a metaphor is to let the reality of wastage of time hit people sharp and make them change their ways. इस कविता के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपना टाइम टीवी देखने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने समय से बाकी निर्माण कार्य सीखने चाहिए, जैसे बच्चों को ड्राइंग सीख सकते हैं, वो बाहर जाके खेल कूद से अपना शरीर बना सकते हैं. इट क्रिटिसाइज द वेरी एडिक्शन टू टेलीविजन अमंग द पीपल. इस पोएम के द्वारा ये भी कवि कहना चाहते हैं कि वो क्रिटिसाइज करता है, उनकी निंदा करता है कि जो टीवी के आदि होते हैं, हमें कम से कम टीवी देखकर अपने बाकी पढ़ाई में आगे निकलना चाहिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.